नमस्कार, आज हम लोग मेल आईडी बनाना सीखेंगे क्योंकि सभी को मेल आईडी की ज़रूरत पड़ता है। आज हम लोग स्मार्टफोन के माध्यम से मेल आईडी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट ए गूगल अकाउंट, उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और आप देखेंगे कि क्रिएट ये गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज ए बिजनेस। तो फॉर माई सेल्फ हम खुद के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस तरह से एक स्क्रीन पे खुल के आता है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहले से हमारा मेल आईडी बना हुआ है। तो मुझे एक और नया मेल आईडी बनाना है, तो मुझे यहाँ पे ऐड अकाउंट टू डिवाइस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पहले से मेल आईडी है, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। यदि आपका मेल आईडी नहीं है और आप नया मेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फिर से पूछा जा रहा है कि फॉर माई सेल्फ, आप खुद के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम और सरनेम, तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम अपना डालेंगे रमेश और सरनेम लिखेंगे यादव। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना बर्थ डेट डालें, जन्म तिथि डालें, तो यहाँ पे हम जो है डाल लेंगे 89। यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर क्या है, अब मेल है फीमेल है, तो मेल है, तो यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक यूनिक सा ईमेल आईडी का नाम रखें जो यूनिक हो और फर्स्ट टाइम में आपका अप्रूव हो जाए, तो यहाँ पर हम यूनिक नेम रख लेंगे रमेश यादव उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पासवर्ड, आप पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। आप स्क्रॉल करके हमें ऊपर जाना है और ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि मोर ऑप्शन, और आप इसे स्क्रिप करना चाहते कर सकते हैं, यस आई एम कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एग्री कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा मेल आईडी बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मेल जीमेल का जो टर्म कंडीशन है, आप उसे एग्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पे आप क्लिक करते हैं तो मेल आईडी बन जाता है और आप देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, और किसी भी ऐप्स या किसी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करना ना भूलें।